हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि चित्र लेखन में आप कैसे आंसर लिखें। जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिखाया तो आपको मैंने चित्र लेखन में बताया था दो बातों का ध्यान रखना है, एक चित्र का उद्देश्य और दूसरा चित्र में जो व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे रही है उसका चित्र से क्या संबंध है। चित्र को देखिए और अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाइए कि ये चित्र एवरेस्ट के शिखर पर सफल पर्वतारोहण के उपरांत यानी पर्वत पर चढ़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराती हुई एक भारतीय महिला पर्वतारोही का है। फिर आगे क्या कल्पना करेंगे कि ये चित्र हमें बताता है कि एवरेस्ट की बुलंद चोटी को भी पद दलित करके अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। चित्र का मूल भाव क्या हो सकता है कि सफलता का कोई ऐसा शिखर नहीं है जिस पर भारतीय महिलाएं फतेह हासिल ना कर रही हों। इस तरह अपनी कल्पना शक्ति जगाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए। दूसरा चित्र भी यही है, भारतीय महिला हॉकी टीम का है। अब जब हॉकी टीम में लोग होते हैं तो क्या होता है, महिला खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, उनकी उमंग, उनकी खेल की भावना उनके चेहरे पर झलकती है। आप लिख दीजिए झलक रही है। और खेल कैसे जीता जाएगा, आपसी तालमेल, एकता तथा टीम के साथ मिलजुल कर कुछ कर गुजरने की तीव्र शक्ति भी इसमें दिखाई दे रही है। अब चित्र का उद्देश्य क्या होगा, ये सिद्ध करता है या हमें बताता है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यानी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब ये वाला चित्र देखते हैं किसका है, भारतीय युवा सेना के विमानों की पृष्ठभूमि वाला यह चित्र भारत की तीन महिला पायलटों का है। तीनों के मुख पर यानी चेहरे पर क्या झलक रहा है, विश्वास, गौरव की मुस्कान, दृढ़ संकल्प ये प्रकट कर रही है हमारे सामने। यह चित्र वायु सेना में महिलाओं की भूमिका को प्रकट कर रहा है और हमें क्या दर्शाता है, हमें क्या उद्देश्य देता है कि भारतीय महिलाएं अब हर चुनौती स्वीकार करके पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ना चाहती हैं, यानी पुरुषों से भी आगे निकलना चाहती हैं। अगला चित्र क्या कह रहा है, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करती सशक्त महिला सैनिकों का है। कटीली तारों से युक्त सीमा पर फौजी वर्दी में अपनी गौरवान्वित चाल से चलती हैं ये आत्मविश्वासी महिलाएं, भारतीय सेना की छवि को उज्ज्वल कर रही हैं। इनके साहस और दृढ़ संकल्प पर हम सब भारतीयों को गर्व है। बच्चों इस तरह आप कोई सा भी चित्र हो उसे देखो, उसके उद्देश्य को देखो, उसमें जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसके भावों का चित्र से संबंध स्थापित कर कल्पना शक्ति जगाओ और विचारों को अभिव्यक्त करो।